नमस्ते जिंदगी। कुछ हमारे ऐसे महान गुरु, संत, ज्योति, जो भी आप कह लीजिए, हुए हैं या हैं भी, जिनको लोग बहुत सम्मान देते हैं, बहुत आदर करते हैं और पूरी भक्ति और विश्वास रखते हैं। ऐसे ही एक गुरु जी थे, उनका नाम तो मैं आपको नहीं बताना चाहती और ना बताने से कोई खास लाभ है। हाँ, वो इतने प्रसिद्ध थे कि लोगों के मन में ये विश्वास था कि गुरु जी के पास अगर अपनी समस्या हम रख देंगे तो हमारा समाधान निश्चित है। खबर मिली कि गुरु जी आ रहे हैं, फला फला तारीख को गुरु जी पधार रहे हैं, लोग पहुंचते जा रहे हैं। हर के मन में ये है कि भाई हमारी समस्या गुरु जी सुन लें और उसका समाधान मिल जाए। न केवल उस शहर से बल्कि आसपास के शहरों से भी जिनको पता चला वो सब पहुंच गए। अंधाधुंध भीड़ इकट्ठी हो गई, काफी लोग, काफी मात्रा में। गुरु जी के आने का समय था करीब 9 बजे सुबह, पर देरी काफी हो गई, 10:30 बज गए और लोगों का बेसब्री, उनकी बेसब्री का बांध टूटता नजर आ रहा था कि अचानक गुरु जी का आगमन हुआ। जैसे ही गुरु जी आए, लोग बिल्कुल नतमस्तक होके खड़े हो गए। गुरु जी के लिए क्या कर दें, क्या ना कर दें। गुरु जी ने आते ही बहुत विनम्र भाव से, बहुत सुंदरता से कहा कि मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, माताओं, सभी बुजुर्ग जन, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आज आने में काफी देरी हो गई और आप सब इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप सबके पास समस्याओं का भंडार है और इतनी सारी समस्याएं अगर मैं एक एक की सुनूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब अपनी समस्याओं को एक पर्ची पे लिख लीजिए, एक एक सब अपनी अपनी पर्ची पे अपनी अपनी समस्या लिख लीजिए और ये पात्र लखा है इसमें डाल दीजिए। लोग फटाफट लिखने लगे पूरी समस्या और उनको लगा ये तो बहुत ही अच्छा है, बोलने में शायद कोई चूक जाते, एक आध समस्या संकोच के मारे ना बता पाते, लिखने में तो बहुत ही अच्छा रहा, गुरुजी भी महान है, गुरुजी देखिए कितने अच्छे। सबने अपनी समस्या को पूरे विस्तार से लिख के और पर्ची एक पात्र में सब डालते जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा सब लोग समस्या डाल दीजिए, सबकी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। बड़े विश्वास से पर्चियां बहुत जल्दी पात्र में इकट्ठी हो गई। गुरुजी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा भाई पात्र को अच्छे से हिला दो, अच्छे से हिला दो। पात्र को अच्छे से हिला दिया गया, घुमा दिया गया, पर्चियां ऊपर नीचे इधर उधर हो गई। अब गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि भाई ये पर्चियां उठा के सब में बांट दो। सबको पर्चियां बांट दी गई। लोग हतप्रभ से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, किसी के पास कोई पर्ची, किसी के पास कोई पर्ची, किसी के पास कोई पर्ची। लोग गुरुजी की तरफ देखने लगे, ये क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा जो भी पर्ची आपके पास आई है उसकी समस्या को पढ़ लीजिए, जो भी लिखा है वो पढ़ लीजिए और जिसके पास जो पर्ची आई है और उसकी जो भी समस्या है समझ लीजिए कि आपस में आपने समस्या को बदल लिया। उसका जीवन जो उसका जीवन था वो आपका जीवन हो गया। तैयार है सब, पढ़िए। अरे बाप रे, लोगों ने पढ़ा, अरे इसकी तो बहुत ही ज्यादा कठिन है भैया, ऐसा ऐसा जीवन नहीं चाहिए। किसी ने पढ़ा, अरे अरे ऐसा तो बिल्कुल नहीं भैया, हमारा ही अच्छा है।
हम अपनी सुलझा लेंगे। ये तो बहुत विकट है। और इस तरीके से सारा माहौल अद्भुत हो गया। गुरुजी ने एक को खड़ा किया, हाँ भाई तैयार हो बदलने के लिए, जो पर्ची तुम्हारे पास आई है तुम्हें वो समस्या दे देते हैं, इसकी समस्या तुम्हारी समस्या कहीं और, तैयार हो? अरे नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं, मेरी अपनी ही ठीक है। और बोलो भाई क्या बोलते हो, तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। अरे सबने कहा गुरुजी हमारी अपनी ही ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं बदलना किसी से। आप इसका तात्पर्य समझ गए होंगे। हम सबके जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, तो हम और आप क्या कहते हैं, अरे यार हमारे ऊपर ही क्यों ये मुसीबत आई, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, चाचा देखो मामा देखो, वो देखो मेरा वो दोस्त देखो, वो रिश्तेदार देखो, क्या मजे से जिंदगी बिता रहे, क्या मस्त, और मेरे ऊपर देखो कैसी मुसीबत। जान गए आप कि जब ये समस्याओं का कारोबार उस पात्र में पहुंचा और उलट पलट के जब वापस मिला, कोई भी तैयार नहीं है किसी को, किसी की भी समस्याएं या किसी के भी जीवन से अपने जीवन को बदलने के लिए। आप समझ गए होंगे हम सबके जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव हैं, पर इन सबका समाधान है, बहुत सुंदर समाधान, जो हम और आप करते ही हैं। हमारी जो भी समस्या आती है हम उसको समर्पित कर दें अपने परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को, और फिर अपने ठंडे दिमाग से उस समस्या का समाधान खोजें। मन में बेचैनी, दुख, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब अगर दूर कर देंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाएगा। समय हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता, और हर समस्या जो समस्या इस संसार में है उसका समाधान भी है। यही शिक्षा मिली गुरुजी के पास जाकर इन सब लोगों का, और सबने ये निश्चय किया कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही करेंगे, ईश्वर की मदद से, ठंडे दिमाग से, शांत मन से। धन्यवाद।